हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कच्चे आम का इंस्टेंट अचार खाया है? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुरंत बनने वाला आम का अचार, जो बहुत ही टेस्टी है और आप इसे महीनों दो महीनों रख के आराम से खा सकते हैं। अब आम को ना घंटों सुखाने का झंझट और ना महीनों गलाने का झंझट, फटाफट से आप बनाइए और उस आम के अचार से बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो इसके लिए हमने कच्चे आम ले लिए हैं, इनके ऊपर के छिलके हम उतार देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अचार इतना टेस्टी लगता है ना, आप एक बार ज़रूर बना के इसको ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे छील के कद्दूकस कर लिया है। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा गिरा है और ये मसाला मेरा मिला हुआ है, यानी 2 टेस्पून धनिया है और 1 टेस्पून इसमें मैंने अजवाइन गिरी है और 1 टेस्पून इसमें मैंने मेथी दाना गिरा है, 1 टेस्पून इसमें राई गिरी है। और सारे मसालों को हल्का भून के और दरदरा हम पीस लेते हैं। इस तरीके का आपका मसाला होना चाहिए। 2 चम्मच जो हम सब्जी बनाते हैं उससे मैंने सरसों का ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर आँच को धीमी कर दी है, गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है। उसमें जो मैंने कद्दूकस किए हुए आम थे वो गिर दिए। 1 टेस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेस्पून हल्दी और फिर नमक हमने 1 टेस्पून गिरा है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर जो मसाला मैंने मिक्सी जाले में पीसा था दरदरा, वो मैंने इसमें गिर दिया है। और इसमें करना कुछ नहीं है, बस ज़्यादा झंझट नहीं है, आप इसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये अचार इतना टेस्टी है कि किसी भी खाने में जान डाल देगा। आप जिस भी खाने के साथ खाएंगे उस खाने का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। बहुत स्वादिष्ट ये अचार लगता है।